श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद अब नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 20 जुलाई को इसके लिए संसद में मतदान होगा। वहीं शनिवार को हुई बैठक में स्पीकर ने गोटाबाया के इस्तीफे की औपचारिक सूचना दी, साथ ही नए राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जानकारी दी। वहीं 19 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नामांकन करवा सकेंगे। प्रधानमंत्री से कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रनिल विक्रमसिंघे की पूरी कोशिश इस सर्वोच्च पद के लिए चुने जाने की है। वहीं विपक्ष की तरफ से साजिद प्रेमदासा की उम्मीदवारी का ऐलान किया गया है। साजिद ने ट्वीट कर कहा कि इस चुनाव में गोटाबाला रनिल को बहुमत है। ये बहुत मुश्किल संघर्ष है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि सच्चाई की जीत होगी।